उत्तर प्रदेश और पंजाब के साथ ही एक राज्य और है जहां चुनाव होना है, वो है उत्तराखंड। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में लखीमपुर से सटा एक बड़ा इलाका है जहां सिख और किसान मतदाता मजबूत पकड़ मानी जाती है। किसान वोट क्या उत्तराखंड में भी उठापटक कर सकता है? लखीमपुर कांड का असर उत्तराखंड में बीजेपी नेताओं को भुगतना पड़ रहा है। ये ऊधम सिंह नगर की तस्वीरें हैं, जहां पर सूबे की शिक्षा और खेल मंत्री अरविंद पांडे अपने क्षेत्र में एक स्टेडियम का शिलान्यास करने वाले थे, लेकिन जैसे ही किसानों को इसकी भनक लगी तो उन्होंने अपने टेंट भी कार्यक्रम स्थल के सामने ही गाड़ दिए, जिससे अरविंद पांडे को अपना कार्यक्रम रद्द करके स्टेडियम का शिलान्यास वर्चुअली करना पड़ा। श्रद्धेय राजा जगतदेव जी की स्मृति में एक इंडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उसको कराने का मकसद एक ही है कि जो हमारे गांव में छिपे हुए होनहार बच्चे हैं, उनको एक अच्छा मंच मिले जहां पे वो अपना एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें, जिससे वो इस क्षेत्र का, समाज का, अपने परिवार का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। लखीमपुर खीरी से सटे उत्तराखंड के तराई इलाकों में सिख और किसान काफी बहुतायत में है। ऊधम सिंह नगर के काशीपुर में किसान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को रैली न करने की चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस मुद्दे के सहारे कांग्रेस राज्य की सत्ता में वापसी कर सकती है? किसान आंदोलन का कोई असर मुझे उत्तराखंड में दिखाई नहीं पड़ता। उत्तराखंड में अलग मुद्दे हो सकते हैं। मुझे तो लगता है उत्तराखंड के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि सरकार स्थिर नहीं रही। पंजाब की तरह उत्तराखंड पर भी कांग्रेस की नजर है, इसीलिए हरीश रावत के नेतृत्व में पार्टी दलबल के साथ यूपी बॉर्डर पहुंची, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस को लगता है कि वो किसानों के मुद्दे पर जितने हमले तेज करेगी उसे उतना ही फायदा होगा। आज तक ब्यूरो। कसम किसान की खाते हैं वाली राजनीति बस वोट लेकर किसानों को भूलने के लिए ना हो। किसान देश के मजबूत होंगे तो यकीन मानिए तभी देश में असली आर्थिक विकास हो सकता है, लेकिन किसानों का प्रयोग अपने राजनीतिक विकास के लिए ज्यादातर हमारे देश में किया गया। आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।